और सहायकों को अवगत कराएं। मेरे हॉस्पिटल से ये कॉल आई थी कि ये पशुपालन विभाग से जो एम्बुलेंस चल रही है सर, हाँ हाँ, इसकी भर्ती निकल रही है, 600 लोगों की डिलीवरी की जरूरत है। अच्छा हाँ, 18,000 वेतन दिया गया है। हाँ, वैकेंसी आ गई है आपके पास? हाँ, वैकेंसी आ गई है सर मेरे पास। पूरी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हम आपको पूरी बातें बताएंगे और पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसी ही जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो रिकॉर्डिंग जो अध्यक्ष के द्वारा की गई है, वैक्सीनेटरों के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। हेलो हेलो। हाँ सर जी। हाँ भैया जी, ये कह रहे हैं मैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम मैनपुरी से बोल रहे हैं। नाम क्या है भैया? मेरा विनेश कुमार। विनेश कुमार, आप वैक्सीनेटर हो? जी वैक्सीनेटर नहीं, विनेश कुमार है। अच्छा, विनेश कुमार वैक्सीनेटर नहीं है? जी वैक्सीनेटर हैं सर हम। अच्छा, वैक्सीनेटर हैं आप। मैं भी वैक्सीनेटर हूँ, मेरा नाम अमन शर्मा है। जी सर। जी सर। संगठन है, आप सभी लोग जानते हैं। जी सर। जो कि बंधु पशु वैक्सीनेटर साहब फाउंडेशन के नाम से है। तो आपके हॉस्पिटल से क्या कॉल आई थी, कृपया आप हमको सभी वैक्सीनेटर। और सहायकों को अवगत कराएं। मेरे हॉस्पिटल से ये कॉल आई थी कि ये पशुपालन विभाग से जो एम्बुलेंस चल रही है सर, हाँ हाँ, इसकी भर्ती निकल रही है, 600 लोगों की डिलीवरी की जरूरत है। अच्छा। हाँ, 18,000 वेतन दिया गया है। हाँ, वैकेंसी आ गई है आपके पास? हाँ, वैकेंसी आ गई है सर मेरे पास। फार्म है उसका? फार्म तो नहीं है मेरे पास सर अभी। अच्छा ठीक है, जब वैकेंसी आ गई है, जब जैसे ही फार्म आए जिस भी सज्जन के पास, वैक्सीनेटर सहायक उत्तर प्रदेश के 75 जिले में और भारत के 29 राज्यों में कार्यरत हैं, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में। अच्छा सर। ठीक है, तो उन सभी वैक्सीनेटर सहायकों के लिए जैसे ही वैकेंसी आए जिस किसी भी सज्जन के पास, ग्रुप के माध्यम से उस वैकेंसी फार्म को आप सभी लोग सभी वैक्सीनेटर सहायकों को भेजने की कृपा करें ताकि सभी वैक्सीनेटर और सहायक ज्यादा से ज्यादा फार्म को भर सके। जी सर। ये एक मैनपुरी के पास है, पशु चिकित्सालय ररुआ। हाँ हाँ, करेल के पास पड़ता है। हाँ हाँ, मैं वैक्सीनेटर का काम कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपकी यह जानकारी मैं सभी अपने साथियों को दे सकता हूँ? वो कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? नहीं, क्या दिक्कत होगी भाई, जैसे आप अपनी बात कहना चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, तो भाई लोग स्वतंत्र हैं। बिल्कुल बात सही है सर। ठीक है, ठीक है, रखे भैया। ओके, नमस्ते सर।